हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल्य कोचिंग। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, DSSP साइट पर एक नोटिस अपलोड हुआ है और ये नोटिस है प्राइमरी टीचर के बारे में। तो ये डिटेल्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, नए हो और आपको लगता है इस तरह का लगातार अपडेट आपको भी आपके मोबाइल पर चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए ताकि हर अपडेट आपको लगातार यहाँ से मिलता रहे। चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ न्यूज़ है। ये देखिए, ये जो है DSSP की साइट पर जो अपलोड हुआ है, ये किस डेट को अपलोड हुआ आप देख सकते हैं यहाँ से। 6 अप्रैल को अपलोड हुआ है ये, और ये नोटिस नंबर आप देख सकते हैं यहाँ से, और पोस्ट कोड है ये 16/17 एंड 01/18। यहाँ पर देखिए ये जो नोटिस आया हुआ है, एक्चुअल में ये रिजेक्शन नोटिस है। आप ये जो नीचे रोल नंबर मेंशन है, 79 कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पर, मतलब रोल नंबर यहाँ पर मेंशन है, जिनको फाइनली रिजेक्ट कर दिया गया है। अब क्यों रिजेक्ट किया गया, इसका रीज़न भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। रिमार्क जो यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 है, तो 1 में आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये जो सीरियल नंबर 1 है, इसका देख सकते हैं यहाँ पर रोल नंबर यहाँ पर है और इनको क्यों रिजेक्ट किया। रिमार्क्स के नीचे देखिए यहाँ पर जो रिमार्क्स इनका दिया हुआ है कि इनको जो रिजेक्ट किया गया वो क्यों रिजेक्ट किया गया, आप देख सकते हैं यहाँ से। ये देखिए क्लियरली यहाँ पर मेंशन है, फेल्ड टू अपलोड डिप्लोमा इन ETE एंड वैलिड CTET सर्टिफिकेट बिफोर कट ऑफ डेट एज पर RRs। रिक्रूटमेंट रूल में जो कुछ भी मेंशन था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना था नहीं किया। उसी तरह से देखिए सीरियल नंबर 2, 3, 4 इस तरह से ये चलता चला जा रहा है, और इसमें एक लंबा लिस्ट है, यानी कि टोटल जो 79 कैंडिडेट है जिनका कैंडिडेचर रिजेक्ट हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। सबका जो इसमें रीजन है उसके सामने मेंशन है और यहाँ पर डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ से। सीरियल नंबर 1 है, उसके बाद देखिए यहाँ अभी तक हमने देखा जनरल कैटेगरी में, और अब जो आ रहा है ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये है OBC कैटेगरी। यहाँ पर देख सकते हैं OBC कैटेगरी में भी बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर है, देख सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट आ गया, ये सीरियल, ये SC कैटेगरी में है, इसमें टोटल जो है 10 कैंडिडेट्स हैं। और उसके बाद फिर देख लीजिए नेक्स्ट जो इसमें आ रहा है, ये है SC कैटेगरी, टोटल 20 कैंडिडेट्स हैं। और इस तरह से टोटल आप देख सकते हैं यहाँ से, टोटल 79 कैंडिडेट है। और इसके बाद ये कि ये जो पॉइंट नंबर आप 2 देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए क्लियरली मेंशन, द वेटलिस्ट पैनल वाज वेरिड अप टू 27th of March व्हिच वाज एक्सटेंडेड अप टू 31st of March। यानी कि जो वेटिंग पैनल का जो डेट रखा गया था, पहले 27th of March था, जो कि एक्सटेंड होकर 31st of March रखा गया था 20, लेकिन अब क्या हुआ, ये इनका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन ये थर्ड पॉइंट भी देख सकते हैं यहाँ से, थर्ड पॉइंट देखिए ये कह रहा है यहाँ पर, द एबव रिजेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ पेंडिंग रिलेवेंट कोर्ट केसेज इफ एनी। मतलब इसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसा भी हो सकता है जिन्होंने कुछ कोर्ट में केस किया हो किसी पर्पज से, तो यदि इस तरह का कोई केस है तो उस पर विचार किया जा सकता है, और यदि इस तरह का कोई केस नहीं है तो ये फाइनल है कि इन सभी कैंडिडेट का जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये एक सैड न्यूज़ था, बैड न्यूज़ था, लेकिन हमें इस पर सावधान होने की ज़रूरत है कि जब कभी बोर्ड का कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन आता है तो हमें उस पर अच्छी तरह से अमल करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। ठीक है, तो ये था कि शॉर्ट नोटिस जो कि आपके साथ ये शेयर किया गया। बाकी इस तरह के लगातार अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, नए हो, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको लगातार यहाँ से मिलता रहे। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में जहाँ पर हम इस तरह की और भी बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।